आने वाले 10,000 से 12,000 जो पर डे थॉट्स आते हैं उनको रिमूव करना है, अपने दिमाग को खाली करना है। और उसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ। देखिए हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम पर डे बैठते हैं, बुक आपके सामने है, आप फिजिकली वहां प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली प्रेजेंट ही नहीं हो। बहुत सारे थॉट जो आपके दिमाग में घूमते रहते हैं वो आपको अड़चन पैदा कर रहे हैं पढ़ने में। तो उसके लिए क्या कीजिए, एक सिंपल रास्ता मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक सिंपल प्रैक्टिस है। अगर आप वो 7 दिन तक जारी रखते हैं तो आपको अपनी स्टडी में भी फायदा मिलेगा। आप पूरे 24 घंटे में आधा घंटा ऐसा निकालिए जिसमें आपको इन थॉट्स को रिमूव करना है और अपने दिमाग में थॉट्स को आने ही नहीं देना है। ठीक है, मतलब क्या है जरा समझिए। पूरे दिन में सुबह का जो टाइम होता है वो सबसे अच्छा होता है। आप मॉर्निंग वॉक पर निकलिए। ज्यादातर क्या होता है, जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, उनका अपने रस्ते और रस्ते में आने वाली चीजों पे ध्यान ही नहीं होता है। हमारा ध्यान कहाँ होता है, घर पे क्या चीज रह गई, दोस्त की पार्टी में क्या हुआ था, लास्ट नाइट क्या हुआ था, कल मैं क्या कर रहा था, परसों क्या करूंगा, आगे आने वाले टाइम में क्या करूंगा, यू नो, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, कल का प्लान, परसों का प्लान, ऐसे करके सारा समय निकल जाता है रस्ते में। और हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हम जिस रस्ते पे चल रहे हैं आजू बाजू आमने सामने क्या आ रहा है, क्या है हमारे सामने, उसको विजुअलाइज ही नहीं कर पाते। उन थॉट्स को कम करना है। आप सुबह जब वॉक पे निकले तो आप क्या कीजिए, आपके सामने जो चीजें प्रेजेंट हैं, जो सामने चीजें आ रही हो, उनको ध्यान से देखिए, उन पे फोकस कीजिए। सड़क पे ध्यान दीजिए, ग्रीनरी पे ध्यान दीजिए, व्हीकल जा रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए, लोगों पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट करिए और कोशिश करिए उनको मेमोराइज करने की। प्रेजेंट टाइम में अगर आप जीना सीख गए तो वो थॉट्स ऑटोमेटिकली धीरे 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 करके रिमूव हो जाएंगे। आधा घंटा ऐसा निकालिए अपने पूरे दिन में जिसमें आपको ऐसे थॉट अपने दिमाग में आने ही नहीं देने हैं जो कि अनरियलिस्टिक है, मतलब ऐसे जो कि रियली आपको दिखाई नहीं दे रहे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए जरूरी है। अब इसका फायदा क्या होगा, अगर आप प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट चीज को देखते हुए वहां पे कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं तो जब आप स्टडी टेबल पे बैठेंगे, आपके सामने आपकी बुक होगी, तो आप अपने टॉपिक पे भी कंप्लीटली फोकस कर पाएंगे एटलीस्ट हाफ एन आवर। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे सुबह आधे घंटे कि मेरे पास, मेरे दिमाग में अनरियलिस्टिक थॉट आए ही नहीं, ऐसे थॉट जो मेरे सामने है आए ही नहीं, वो जो प्रैक्टिस है आपको आपकी स्टडी टेबल।